अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ पकोड़े बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आलू बैंगन के पकोड़े। ये पकोड़े ऐसे हैं जो रमज़ान शरीफ में, इफ्तारी में हर रोज़ हम खाते हैं। तो हमने यहाँ आलू ले लिए हैं और दो बैंगन हैं हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। और ये आलू थोड़ा सा साइड से ख़राब था, हमने काट लिया, काट कर फेंक दिया जो ख़राब था। तो चले हम आलू को छील लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम बैंगन की और आलू की कटिंग अलग करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये आलू है और ये बैंगन, ये हम इसकी भी इसकी गोल कटिंग करेंगे यूं करके। बहुत मोटे नहीं करने, बारीक करने हैं क्योंकि हमारे आलू अंदर तक गल जाए। तो समटाइम हमें इफ्तारी में बहुत जल्दी भी होती, देर हो रही होती है, तो फिर आलू अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आलू। ये भी हमने ज़रा पतले से साइज में काटने, ये देखिए इतना पतला हम काटेंगे तो हमारा बैंगन का पकौड़ा बहुत मज़े का लगेगा। बिस्मिल्लाह, आलू हमने बैंगन और आलू काट के रख लिए हैं, तो अब हम बेसन का घोल बना लेंगे। ये हमने एक कटोरी बेसन ली है, इसको हमने छान लिया था। अब हम ये मसाले इसमें ऐड कर देंगे जो कि हमने तो आसानी के लिए रखा था, लेकिन हमारा चम्मच हिल गया और हमारे मसाले बिखर गए। ये हमारा ज़ीरा है, वन टेबल स्पून के करीब। ये कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून टेबल स्पून नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये हमारे पास हरी मिर्च होती है, उसमें लाल मिर्च थी, हरी मिर्च लाल मिर्च हुई पड़ी थी वो। और ये हमारा जो मसाला थोड़ी बिखर गया ट्रे में, तो लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर ये हम ऐड कर देंगे। और हम इसमें पानी डालकर तो इसका घोल बना लेंगे। हमने इसका घोल जो है वो ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इसमें वो जो गुटलियाँ बन जाती हैं वो ना बनने पाए। इसका जो घोल है वो इतना पतला भी नहीं होना चाहिए और इतना जो है वो थिक भी नहीं होना चाहिए। नमक में टेस्ट कैसे करूँ रोज़ा है, तो अंदाजे से डाल लिया है, सबका ही रोज़ा है। और नमक मिर्च मसाले जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने बहुत लाइट मसाले रखे हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो फिर बच्चों का ध्यान रखते हुए हमें ये देखना पड़ता है थोड़ा सा। अब हम इसे पड़ा रहने देंगे 10 मिनट। पतला नहीं होना चाहिए, जब पतला हो जाता है फिर वो आलू के ऊपर ठहरता नहीं है बेसन। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो ये हमने धनिया, हरा धनिया भी डाल दिया थोड़ा सा, तो ये देखिए हमारा बैटर इस तरह तैयार हो गया। स्टे देने के बाद 10 मिनट स्टे देने के बाद इस तरह तैयार हो गया। अब हम इसको इधर हमने ऑयल गर्म करने रख दिया, इस तरह से करेंगे इसको, बेसन लगाएंगे। ये हमारे बैंगन
थोड़े जितने भी बैंगन के पकौड़े होंगे उस पर लाल मिर्ची भी जाएगी। चलिए अब हम लेते हैं थोड़ी देर बाद, ये हम पलट लें। ये देखिए हमारे पकौड़े जो है वो पक चुके, हम इसे निकाल लें। ये लाल मिर्च कितनी प्यारी लग रही है ऊपर। अब ये हमारा दूसरी दफा हम डालते हैं पकौड़े। झटपट बनते हैं ये, जब हम इसके इसको बैंगन और आलू को बारीक काटेंगे तो हमारे पकौड़े बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। उतारू में टाइम भी बस मुनासिब सा होता है, कभी लेट भी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बारीक काटते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए और अच्छा भी हो जाए, क्योंकि अंदर तक ये पके होंगे तो अच्छे लगेंगे। और ये मेरे पास एक मिर्च थी बड़ी सी, तो इसके भी मैं दो पकौड़े बनाऊंगी क्योंकि कोई और तो खाएगा नहीं, किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ मेरे सिवा घर में किसी को पसंद नहीं, सिर्फ मैं ही शौक से खाती हूँ, तो ये दो ही काफ़ी हैं मेरे लिए। ये मेरे मिर्च का पकौड़ा ये दूसरा मिर्च का पकौड़ा, इसे भी पलट लेंगे। इतने प्यारे लाल हैं, फिर से हम निकाल लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं फटाफट, झटपट और फटाफट। ये देखिए और हमारे दो बैंगन से और चार आलू थे, तो ये हमारे पकौड़े काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। और ये भी हैं, ये जो बेसन ख़त्म हो गया था तो तब के, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।